हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आए हैं रिवर फ्रंट पार्क पे और अभी बज रहे हैं दिन के 1 और यहाँ पे कोई नहीं है और समर स्टार्ट हो गई है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी ठंड है। मैंने जैकेट पहना है अभी भी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोग US क्यों आते हैं, US के प्रोज और कॉन्स, कि क्या क्या चीज़ें यहाँ अच्छी है और क्या क्या चीज़ें यहाँ अच्छी नहीं है जो आप लोगों को अच्छी नहीं लगने वाली है। तो हम दोनों आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में जो होती है वो हेल्थ, क्योंकि हम लोग, मुझे पता है, हम लोग दिल्ली रहते थे तो दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है, मतलब आज मैंने अभी अभी न्यूज़ में देखा है तो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 172 दिखा रहा था और ग्लास्टनबरी का मैंने चेक किया तो वो 30-35 के अराउंड ही था या इससे और कम होगा। तो आप सोच सकते हो कि अगर हम दिल्ली और ज़्यादा सालों के लिए रहेंगे तो हमारा क्या हाल होने वाला है। मतलब 172 या नवंबर में तो इससे ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब आप 10-10 सिगरेट एक साथ पी रहे हो। तो हम यहाँ रहेंगे और हम दिल्ली रहेंगे तो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब तो ऑब्वियसली हेल्थ के हिसाब से US बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है तो पॉल्यूशन वाली चीज़ थोड़ी यहाँ कम होती है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया से आते हैं, वो है पैसा। तो हम कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नॉट रुपया, सबसे बड़ा डॉलर्स। तो सब लोग इसीलिए आते हैं डॉलर्स कमाने के लिए। मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं कि यहाँ हम 5-6 साल रहेंगे कमा के फिर इंडिया चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे $1 भी सेव कर रहे हो तो वो इंडिया के 80 रुपीज़ के बराबर होता है। तो मतलब हाँ, आपकी सेविंग यहाँ काफ़ी अच्छी होती है। पहले यहाँ बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब काफ़ी अच्छी जॉब लोगों को यहाँ मिल जाती थी और आप यहाँ अच्छा ग्रो कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी ही प्रमोशन हो सकता है और बहुत जल्दी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जो इंडिया में नहीं मिलती थी। लेकिन अभी अभी रिसेंटली 2024 में, जैसे आपने मेरा पहला व्लॉग भी देखा होगा कि डू नॉट कम टू अमेरिका, कि क्यों नहीं आना चाहिए, तो हाँ अभी जॉब मार्केट थोड़ा ख़राब हो गया है, लेकिन देखते हैं अगर आने वाले 1-2 साल में वो फिर से ठीक हो जाएगा तो हाँ यहाँ काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पढ़ने के लिए और जॉब करने के लिए। फिर जो तीसरी बड़ी चीज़ होती है एजुकेशन, यहाँ का एजुकेशन और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में काफ़ी लोग इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन उनको फिर भी एक सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते वो लोग, और यहाँ का सिस्टम ना काफ़ी अलग होता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मुझे लगता है स्कूल और कॉलेजेस दोनों यहाँ बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें आपको सिखाई जाती है। इंडिया में जैसे होता है ना कि हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ फाइनल एग्ज़ाम्स 10-20% मैटर करता है आपकी पूरी ग्रेडिंग में, बाकी असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स आपको करने होते हैं और ये आप तभी कर पाओगे आप जब आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करना आएगी। तो हाँ, एजुकेशन यहाँ का बहुत अच्छा है। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है फ्रीडम, मतलब क्यों नहीं चाहते फ्रीडम, फ्रीडम के लिए तो हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए। तो वो चीज़ें होती है कि यहाँ पर ना आप कुछ भी पहन लो, किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, किसी को भी कोई मतलब नहीं है, मतलब किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। मैं यहाँ कुछ भी पहन के बाहर निकल सकती हूँ, मैं नाइट सूट में ग्रॉसरी स्टोर जा सकती हूँ या मैं बहुत सज धज के ग्रॉसरी स्टोर जा सकती हूँ, तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग, अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो लोग यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट ही देंगे, लेकिन आप बुरे लग रहे हो तो लोग आपको कभी नहीं कहेंगे। आप कैसे भी कपड़े पहन सकते हो, कोई आपको गंदी नज़रों से यहाँ देखता नहीं है। तो मतलब ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है कि हम यहाँ कुछ भी पहन सकते हैं। जो काफ़ी लोग US की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो है यहाँ का लाइफस्टाइल। तो काफ़ी लोगों को यहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ जो, अगर ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह में भी आप जाओगे तो काफ़ी चीज़ों के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। जैसे मान लीजिए मिल्क कोई ले लो आप यहाँ पे, कि पता होता है कि इस मिल्क में जो काउज है उनको ग्रोथ हार्मोन दिया है और ये वाला मिल्क उससे फ्री है। तो ऐसी चीज़ें इंडिया में कहीं कहीं छुपाई जाती है, मतलब नहीं बताई जाती। ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है, और कि यहाँ पर जो वर्क कल्चर है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब सैटरडे संडे है, आपको ऑफिस नहीं करना है। मतलब काफ़ी तो लोग ऐसे होते हैं कि अपना ऑफिस का फ़ोन और घर का फ़ोन, मतलब पर्सनल फ़ोन अलग अलग रखते हैं और पूरा स्विच ऑफ करके रखते हैं, आपको मतलब ऑन ही नहीं करेंगे। ऑफिस से कॉल आएगा तो आपको कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकता है। तो पूरा फैमिली टाइम होता है, कोई सैटरडे संडे काम नहीं करता है यहाँ पे, और कोई आपको फोर्स भी नहीं करता है कि आप सैटरडे संडे आके और काम करो। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ फिर भी जो यहाँ आपको मतलब काम करना पड़ता है, US काफ़ी कॉम्पिटिटिव कंट्री है, कैपिटलिस्ट कंट्री इसको कहा जाता है, तो आप काम कर रहे हो तभी चलोगे, नहीं तो
झट से निकाल दिए जाओगे, ये सारी चीज़ें भी होती हैं यहाँ। फिर बच्चों के स्कूल, तो आपको पता ही है कि यहाँ जो स्कूल है वो बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई फी नहीं होती है और काफ़ी अच्छे स्कूल होते हैं। स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ का जो कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है। बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया जाता है और बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है कि मैंने बताया था मेरी बेटी अभी भी बोलती है हम पढ़ते नहीं हैं, हम एक्टिविटीज़ करते, तो वो काफ़ी अच्छा है। और फिर यहाँ की जो पेरेंटिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि आप पढ़ाई के अलावा बच्चों को काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं। और ये छोटा सा टाउन है, यहाँ पर सारे लगभग, यहाँ पर सॉकर भी है, यहाँ पर म्यूज़िक क्लासेस भी है, यहाँ पर डांस क्लासेस भी है, जिमनास्टिक का तो यहाँ बहुत बड़ा मतलब एक एकेडमी है। तो बच्चों के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है, मतलब बच्चों का यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है जो हम इंडिया में नहीं करते हैं। बस इंडिया में स्कूल से आने के बाद भी हम बच्चे को ना कोई डांस क्लास नहीं भेजते, कोई म्यूज़िक क्लास नहीं भेजते, हम उसको ट्यूशन भेजते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में उनको पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चा ट्यूशन जा रहा है। तो वो यहाँ नहीं होता है, कोई होमवर्क वगैरह भी नहीं देते हैं टीचर्स यहाँ बच्चों को, तो यहाँ स्कूल काफ़ी अच्छे हैं। चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ सबकी जो रेस्पेक्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आप डॉक्टर हो आपको उतना ही रेस्पेक्ट देंगे, या फिर आप कोई मेंटेनेंस गाय भी हो उसको उतना ही रेस्पेक्ट देंगे। तो यहाँ पर ना आपको आपके कपड़ों से, आपकी जॉब से, आपके स्टेटस से, इन चीज़ों से बिल्कुल भी जज नहीं किया जाता है जो हाँ इंडिया में होता है। फिर जो चीज़ होती है कि यहाँ अगर आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में जाओगे, मतलब यहाँ इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ ऑयल के बहुत सारे, ये तो इंडिया में भी होते हैं ऑब्वियसली, ब्रेड के इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ केक्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कॉस्को वगैरह तो मेरा देख ही चुके हो, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब वर्ल्ड की सारी ग्रॉसरी हर तरह की सारी यहाँ मिल जाएगी आपको। एक और प्रोज है कि इतना बड़ा US है, मतलब यहाँ घूमने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ छोटे शहरों में जैसे टाउन में तो मॉल्स वगैरह नहीं होते, न्यूयॉर्क वगैरह में मॉल्स वगैरह हैं, वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़े, और मतलब आप विंडो शॉपिंग भी कर सकते हो अगर कुछ नहीं ख़रीदना है तो, मतलब ठीक है आप घूम के आ जाओगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखते हैं अगर हम लोग कहीं घूमने जाएंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन हाँ बहुत बड़ी कंट्री है और काफ़ी मज़े आने वाले हैं। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब मुझे मेरे सिस्टर ने भी बोला था कि तू जहाँ पे भी आप रहते हो ना सब कुछ इतना सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल होता है कि तू ऐसी जगह रह रही है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, जनरली शिमला मनाली जहाँ मैं रहती हूँ वो ऐसे होते हैं ब्यूटीफुल से, ठीक है ऑब्वियसली मैं राजस्थान में रहती हूँ तो हम लोग गलियाँ वगैरह में रहते हैं, तो यहाँ के मतलब एकदम से लगता इतना सुंदर जैसे चेरी को लगा था। अब हम डिस्कस करेंगे, हमने पहले प्रॉन्स डिस्कस किए कि पहले आपको मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बता देती हूँ, अब डिस्कस करते हैं यहाँ के कॉन्स क्या है, क्या चीज़ें हैं जो यहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने बताया कि यहाँ हेल्थ मतलब अच्छा हो जाता है, मौसम इतना अच्छा है, वेदर इतना अच्छा है, एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसके साथ जो मेडिकल एक्सपेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब डॉक्टर ही नहीं मिलते, नए पेशेंट को तो अपॉइंटमेंट नहीं देते, इमरजेंसी में जा सकते हो लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो मेडिकल के लिए काफ़ी बुरा है। फिर आपको उतना महंगा इंश्योरेंस वगैरह लेना पड़ता है तो सारी चीज़ें हो पाती है। ये सबसे बुरी चीज़ है वो है इमिग्रेशन, वीज़ास, मतलब इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वीज़ा के, मतलब अभी भी मैंने सोचा कि मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ तो मुझे पता पड़ा अगर मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया तो मैं फिर से इंडिया नहीं जा पाऊँगी बीच में, क्योंकि आप इंडिया से पढ़ नहीं सकते जाके, कुछ ऐसा इमिग्रेशन रूल्स होते हैं। तो अगर आपको इंडिया जाना है तो उसके लिए भी बहुत सोचना पड़ता है, जॉब चली गई तो फिर आपको बहुत लिमिटेड टाइम होता है कि फिर से जॉब ढूंढना है और तभी आप अपना वीज़ा कंटिन्यू कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत होती है, ग्रीन कार्ड नहीं मिलता इतना इजीली जितना हम सोचते हैं। एक और चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी वो है यहाँ पे काम खुद से करना पड़ता है, खाना खुद से बनाना पड़ता है, सफाई खुद से करनी पड़ती है। हाँ काफ़ी लोग यहाँ नैनी वगैरह रखते हैं बच्चों के लिए या क्लीनिंग के लिए लोग आते हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं, बस ये है कि मेड जैसे छुट्टियाँ मार लेती, इंडिया में वो सब नहीं होता है, सारा प्रोफेशनली चलता है, लेकिन हाँ उनके जो चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मतलब अभी हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते वो और काफ़ी लोग नहीं भी कर सकते हैं। फिर होता है यहाँ के रेंट, यहाँ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हम सोचते हैं ना 1 करोड़ सैलरी 2 करोड़ सैलरी, पर वो खर्चा भी डॉलर्स में ही हो रहा है और अब तो धीरे धीरे प्राइजेस भी बढ़ते जा रहे हैं तो काफ़ी खर्चा होता है। तो ठीक है आप जितना सेविंग सोच के आते हो कि इतना सेव कर लेंगे तो वो थोड़ा नहीं हो पाता है, ये होता है। और जो फिर नेक्स्ट चीज़ है, हम तो लड़कियां हैं, मेकअप वेकअप करना होता है, इंडिया में तो हम कभी भी चले जाते थे आईब्रो बनवाने या वैक्सिंग वगैरह, तो वैक्सिंग तो आप यहाँ भूल ही जाओ, मतलब किसी नॉर्मल स्टोर में जाओगे ना तो थ्रेडिंग ही
कम से कम 12 से 15 डॉलर आपके लग जाएंगे, 20 भी हो सकते हैं। और बस मैं किसी इंडियन के पास गई थी, वो पता नहीं क्यों 5 डॉलर्स में कर रही थी, तो ठीक है ऐसे आप पैसे थोड़े बचा सकते हो। और वैक्सिंग तो बहुत महंगा होता है, मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते या मन ही नहीं होता है जब इंडिया से उसका प्राइस हम कंपेयर करते हैं। और जो नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप सोचते हो कि आपके घर में किसी की शादी है, कोई फेस्टिवल है, कोई छोटा मोटा फंक्शन है, तो ये बहुत दूर है, 18 घंटे की तो यहाँ फ़्लाइट ही होती है, तो इतना दूर आप नहीं जा सकते और सोचना पड़ता है, फ़्लाइट टिकट्स के चार्जेस देखने पड़ते हैं, तो हाँ बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, तो थोड़ा बुरा लगता है। जो नेक्स्ट जो चीज़ है, जो सबसे बड़ा कौन है कि फैमिली यहाँ पर, मतलब हम इंडिया में जो हमारी फैमिली, उसको हम बहुत मिस करते हैं, अपने पेरेंट्स को, कज़न्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो हाँ बहुत याद भी याद आती है, लेकिन ठीक है आपको रहना पड़ता है। फिर भी चीज़ है कि यहाँ जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं उनमें भी उतना अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो लगता यार बहुत फील होता है, खुद भी इतना अच्छा नहीं बना सकते और फिर बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तब भी वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, और फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप गए, क्योंकि बहुत, अगर अदर देन इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हो तो वेजिटेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत ही सॉरी ज़्यादा नहीं, बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। आई होप आपको मेरा प्रोज और कॉन्स वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप US आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ आने वाली है। और हाँ, काफ़ी लोग आते हैं फिर भी आते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।